स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। टीम इंडिया भारत लौट आई है और टीम इंडिया होटल ITC मॉल में पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एयरपोर्ट से आपने तस्वीरें देखी, टीम इंडिया के वेलकम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब ये टीम इंडिया का कोच है जो कि एयरपोर्ट से ITC मॉल में पहुंचा है। इसी कोच में टीम इंडिया सवार है और आप देखिए कि यहां पर होटल ने भी, दिल्ली के ITC मॉल होटल ने भी तैयारी खूब कर रखी है टीम इंडिया के वेलकम के लिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, रेड कार्पेट बिछाया गया है जिस पर चलकर उस केक तक पहुंचेगी टीम इंडिया, जिसको कट करना है टीम इंडिया ने। उनके स्वागत के लिए ITC मौर्य ने केक तैयार किया है। टीम इंडिया इस समय पहुंच चुकी है ITC मौर्य होटल और वहीं से आ रही हैं सीधी तस्वीरें। न्यूज 18 लगातार आपको टीम इंडिया के इस कारवां की तस्वीरें दिखा रहा है, साथ ही बड़ी अपडेट भी दे रहा है कि किस तरह से एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा ने क्रिकेट प्रेमियों को वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी दिखाई जो इस समय भी उन्हीं के पास है। सपना पूरा कर दिया गया है, 2013 के बाद आपका ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया के खाते में आया है और इसी का इंतजार था, पूरी उम्मीदें थी। जिस तरह के फॉर्म में इस समय टीम इंडिया चल रही है, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया ने कड़ी मेहनत, बेहतरीन गेंदबाजी और शानदार बॉलिंग से अपने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। और ये आपको पहाड़ की खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार बारिश चल रही है, आज भी कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नदियां नाले उफान पर आ रखे हैं, कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबर आई है। वैसे आपको बताएंगे पूरे राज्य में बारिश इस समय हो रही है, लेकिन गढ़वाल के रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों में तेज बारिश है, जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। इसीलिए बता देते हैं आपको, कुमाऊं के आज स्कूल कहीं बंद रहने वाले हैं, ना सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिलों में आज स्कूल बंद रहने वाले हैं। DM ने इसका आदेश जारी किया है, प्रशासन को चौकन्ना रखा गया है, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में कई जिले इस समय रेड अलर्ट में घोषित किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से, कई ऑरेंज अलर्ट में है और कई येलो अलर्ट में। उधर नैनीताल में मॉनसून के दौरान बड़ा संकट सड़कों पर देखा जा रहा है। किसी भी सड़क के ड्रेनेज को वक्त रहते ठीक नहीं किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है। किसी भी सड़क के ड्रेनेज को वक्त रहते ठीक नहीं किया गया और अब मॉनसून आ चुका है। अब इन सड़कों पर आप देखेंगे हालत बदहाल इन सड़कों की होती नजर आएगी। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें कहीं पर धसी हुई हैं, कई सड़कों पर पानी चल रहा है, गड्ढे पड़ गए हैं। कुमाऊं में तो ज़्यादातर सड़कों का यही हाल है, सड़कों के किनारे नालियां चौक हैं, सड़कों पर पानी बहने से सड़कों के धसाओं का संकट बना हुआ है। पूरे कुमाऊं में कल से ही तेज़ बारिश हो रही है, आने वाले कुछ और दिन लगातार बारिश यूँ ही जारी रहेगी। ना सिर्फ नदियाँ बल्कि नाले उफान पर हैं, बरसाती नाले इस समय तेज़ी से चल रहे हैं, मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं, लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। वीरेंद्र विष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ नैनीताल से इस समय लाइव मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ। वीरेंद्र, ये वाकई में चिंता वाली बात है। देखिए, अब मॉनसून सर पर खड़ा है, बरस रहा है और ऐसा बरस रहा है कि अब यहाँ पर कई जगहों पर हम देखेंगे प्रशासन की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। जो सड़कें बनाई गई हैं कहीं पर टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़ गए हैं और नाले गदेरे तो हैं ही उफान पर, लेकिन अब ये चिंता बढ़ी हुई है उन लोगों के लिए जो वहाँ आसपास में रहते हैं। तो क्या तैयारियां यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मॉनसून आ चुका है और लगातार ऐसे ही बरसने वाला है कुछ और दिन। हेलो, हाँ जी वीरेंद्र, आपकी कंचन, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग की मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले 5-7 दिन पहाड़ को लेकर भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन जो तैयारियां सरकार या सिस्टम की ओर से की जानी चाहिए थी वो अभी तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस तरह से जो नेशनल मार्ग हैं, हाईवे हैं, राज्य मार्ग हैं या ग्रामीण मार्ग खास तौर पर हैं, उन पर एक बड़ा संकट इसलिए भी है कि कई बार उन पर लैंडस्लाइड या वो सड़कें टूटने का क्रम भी अब शुरू हो गया है। नैनीताल की बात करी जाए तो करीब 20 से 22 सड़कें कल के दिन में बंद थी और पूरे कुमाऊं में इसका आंकड़ा कई गुना ज्यादा है, क्योंकि जो ग्रामीण मार्ग हैं वो बंद हैं, JCB मशीनें वहां तक पहुंच नहीं पाई हैं, हालांकि खोलने का क्रम लगातार जारी है, JCB को लगाया गया है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कुमाऊं में या पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से जो हाईवे हैं उनके किनारे जो नाली
नालियां बनी थी या कलमट बने थे उनको, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बरसात से पहले नहीं सुधारा गया। हालात अब ज्यादा बिगड़ने जा रहे हैं क्योंकि जो पानी है वो सड़कों पर बह रहा है, पूरी तरीके से दिक्कतें आम लोगों को हो रही है। खास तौर पर किसानों की जो फसलें हैं वो इन सड़कों की वजह से मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो लोग हैं वो आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो आने वाले दिन हैं वो भारी पड़ सकते हैं। आमतौर पर हमेशा इतने सालों में आपने देखा होगा कि कहीं भी जो लैंडस्लाइड होता है या सड़कों का कटाव होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो सड़कों की सफाई ना होना, नालियों की सफाई ना होना, जो कलमट हैं उनकी सफाई ना होना, तो उससे जो मलुआ या गाद उनमें भरा है उससे जो सड़कों पर पानी बहता है तो सड़कों का एक बड़ा हिस्सा उससे टूट जाता है। हालांकि अभी शुरुआती चरण की बारिश है, इतना ज्यादा असर अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसून का बड़ा असर दिखाई देगा, बारिशें हो रही है, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे उत्तराखंड में खासतौर पर दिखाई देगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन सड़कों के इर्द गिर्द जो किनारे के लोग हैं उनके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं, उनके मकानों में भी पानी घुसने की घटनाएं, जो नालियां हैं वो बंद होने से आमतौर पर देखी जाती रही हैं। लेकिन जिस तरह से दिक्कतों का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है, पानी जल भराव हो रहा है, सड़कों में पानी बह रहा है, कलमट खुले नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा कर सकता है। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग के सिंगोली हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 घंटों के लिए प्रोजेक्ट के सभी गेट खुलेंगे आज। एक बड़ा अपडेट इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके चलते मंदाकिनी नदी में पानी बढ़ेगा और जिसके चलते नदी के आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि वो नदी से खुद को और जानवरों को अपने दूर रखें। सुबह 10 बजे से नदी का जलस्तर बढ़ेगा, नदी की गाद को साफ करने के लिए पानी छोड़ा जाएगा। दस जुलाई को बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन बारिश ने उपचुनाव के प्रचार की रफ्तार को धीमा कर दिया है। बारिश की वजह से बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा प्रचार नहीं कर पा रही है। वहीं बारिश के साथ सड़कों पर भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रचार टीम ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है। सीएम धामी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक उपचुनाव का प्रचार करेंगे। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है इस समय लाइव। नितिन, ये चुनौती भरा रहने वाला है। देखिए, उपचुनाव 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने लिए जीत का दम भर रही हैं। हालांकि मायावती भी हैं यहाँ पर चुनावी मैदान में, लेकिन मुकाबला यहाँ पर सीधे आप कहिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। लेकिन प्रचार कैसे करें, बारिश और बारिश के साथ होने वाला भूस्खलन चिंता बढ़ा रहा है पार्टियों की। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है उसमें कमी देखी जा रही है। जो प्रचार की जो टीम है, जो कार्यकर्ताओं की टीम है, उनको ग्रामीण इलाकों में पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे पोखरी, दसोली और जोशीमठ विकासखंड एक ऐसा विकासखंड है जहाँ पे अधिकांश ग्रामीण जो इलाके हैं उन पर सड़क अभी तक नहीं पहुंची है। वहां पर पहुंचने के लिए पैदल ही सफर करना पड़ता है कार्यकर्ताओं को या प्रचार टीम को। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब बारिश और ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पैदा होंगी प्रचार को लेकर। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टार प्रचारकों ने भी अब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में पहुंचता था लेकिन वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक लगातार उनकी ताबड़तोड़ यहाँ पे जनसभाएं भी होनी है, लेकिन अगर मौसम खराब रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी। लेकिन फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो केवल सड़क मार्ग से ही प्रचारक, जो स्टार प्रचारक हैं, वो सड़क मार्ग से ही कोशिश कर रहे हैं कि गाँव तक संपर्क बनाया जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में बारिश और तेज होनी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रचार है वो धीमा होता चला जाएगा। हालांकि अब मात्र 4 दिन ही बचे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जान झोंकेगी पूरी। लेकिन मौसम कहीं ना कहीं एक खलल पैदा अब जरूर कर रहा है इन प्रचार प्रसार में। जी ठीक है नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप चुनाव प्रचार पर। और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में कई विभागों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा की समीक्षा मीटिंग लेंगे। इसके साथ ही युवा कल्याण, खेल संस्कृति विभाग की भी समीक्षा बैठक सीएम धामी आज लेंगे, जिसमें अब तक के हुए कामों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने टारगेट को हासिल करने में जुट गए हैं। किसी भी लेवल पर कोई चूक ना हो इसके लिए सीएम धामी एक एक विभाग की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मौजूदा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सीएम धामी ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2025 का टारगेट फिक्स किया कि 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण जरूर इस अभियान की स्पीड कुछ कम हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर इसे गति देने में जुट गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री हर विभाग की एक एक कर समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में सीएम 9 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। विभागों की समीक्षा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री का जिलों में जाने का कार्यक्रम है, जहां ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की पड़ताल करेंगे। पिछले 2-2.5 महीने पूरी मशीनरी लोकसभा चुनाव के व्यस्त होने के कारण से अब कामों को और निरंतरता देनी है, तेजी देनी है, इसलिए सभी विभागों का क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है, जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं हम कितना पहुंचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है, और हर विभाग अपनी 10-10 योजनाएं प्राथमिकता की दे, गेम चेंजर स्कीम दे, अगले 2 सालों के अंदर जो पूरे होने वाले वो प्रोजेक्ट दें। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि ये रूटीन मीटिंग नहीं है। सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, अगले 2-2.5 साल में वो योजनाएं कौन कौन सी हैं जिनको पूरा किया जा सकता है, विभाग से इसकी लिस्ट मांगी जा रही है। इसके अलावा हर विभाग से एक एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी मांगा जा रहा है, ताकि विभाग अपनी फ्लैगशिप योजना पर डेडिकेटेड होकर काम करे और उसका आउटपुट दे। देखिए, इस बार की जो रिव्यू मीटिंग्स हैं ये रूटीन टाइप के रिव्यू मीटिंग्स नहीं है, ये स्पेसिफिक एजेंडा है कि हर एक विभाग जो है अपने लिए गेम चेंजर पॉलिसीज, गेम चेंजर प्रोग्राम्स, गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। विभागों के HOD सचिवों से उनके विभाग की पूरी जानकारी लेने के बाद कुछ ही दिन में सीएम जिलावार दौरा करेंगे। यहां ग्राउंड जीरो पर योजनाओं की हकीकत परखी जाएगी। सीएम के साफ निर्देश है कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी होगी। सीएम के इस सख्त एक्शन ने कई अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विकासनगर से एक बड़ी खबर, यहां पर आपसी लेन देन के विवाद में एक युवक की पत्थर मारकर आंख फोड़ दी गई है। पैसे के लेन देन को लेकर युवक का ठेला लगाने वाले लोगों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ठेले वाले 2 लोगों ने युवक की आंख फोड़ दी, पत्थर मारकर आंख फोड़ी है। घटना के बाद से पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के लोग भी यहां पहुंच गए। हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर यहां रेफर कर दिया गया। वहीं हमलावर आरोपी फरार हो गया है, जिसके बाद नाराज लोगों ने हंगामा भी किया है, जल्दी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चला रहे हैं। SSP महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह भी SLO का अभियान चलाया गया था और 40 लोगों का पुलिस जब्त के अंतर्गत कार्रवाई की गई उनके खिलाफ में। और ऐसे कोई बाहरी तत्व आकर के आबादी किस्म के पाए जाते हैं आगे भी किसी वेरिफिकेशन में, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये बढ़ते हैं आगे, कोटद्वार से खबर है। यहाँ पर BEL रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार बाइक से टकरा गई है। हादसे में एक 26 साल की युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। हादसा सब्जी मंडी के पास हुआ है। बाइक सवार युवक कोड़िया बस्ती का बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। अब एक बड़ी खबर पहाड़ से, जहां उत्तराखंड STF की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने करीब 3.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ तस्कर गजराज को गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं। आरोपी बरेली से ड्रग्स लेकर देहरादून और हिमाचल प्रदेश में सप्लाई करने के लिए जा रहा था, और डोईवाला के पास में गजराज नाम के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कई दिनों से ड्रग्स पेडलर से पूछताछ में गजराज का क्लू मिला था और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार गजराज को लेकर निगरानी रखी जा रही थी। आरोपी तस्कर गजराज पिछले 2 साल से उत्तराखंड में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। इसे करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है उसकी तरफ से। STF ने अब इस संपत्ति को भी अटैच करने की बात कही है और एक्शन लेने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। बड़ी रिकवरीज की जा रही हैं जो स्टेट लेवल के ड्रग पेडलर्स हैं
उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में हमारी एनटीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कल ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उनके साथ एम्स ऋषिकेश आने वाले रोगियों और तीमारदारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। ऋषिकेश में एम्स रोगियों के लिए 430 बेड सेवा सदन बनाए गए हैं, जो कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को राहत देगा। इस मौके पर पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। मंगलौर में उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर स्टार प्रचारकों को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए उपचुनाव में वो स्टार प्रचारकों के ही भरोसे हैं। अगर उन्होंने 2.5 साल में और 5 साल पहले में काम किया होता तो आप समझ सकते हैं तो क्या उन्हें स्टार प्रचारक बताने की जरूरत पड़ती। आज वो एडी से चोरी जी का जोड़ लगा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि वो बौखलाए हुए हैं। वो तो स्टार के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनभावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी और है, और इस चुनाव में जनभावनाओं के अनुकूल वोटिंग होगी। सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संबोधन से कांग्रेस के नेता वहां पर गदगद हो गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपने नेता की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करें और बताएं कि उनका ताल्लुक किस समाज से है। जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है। बुद्धि शुद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत है। सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस खुश है। अपने राष्ट्रीय नेता के भाषण से कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने संसद में दिए भाषण के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। करण महारा ने राहुल गांधी को दार्शनिक, बुद्धिजीवी, संत बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वर्णिम युग के लिए नेता का जन्म हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा से ही समझ में आ गया था, एक गांधी, ऐसा गांधी जो संत भी है, जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, जो सब कुछ होते हुए बहुत शालीन है, जिसके अंदर अभिमान का एक क्षण भी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है, ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है। और आने वाला स्वर्णिम समय भारतवर्ष का आने वाला, इस बात की उम्मीदें हमारी बड़ी है। वहीं हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर भड़की बीजेपी तारीफ पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बताएं उनका ताल्लुक किस समाज से है और राहुल गांधी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करें। वो किस समाज से आते हैं उनको साबित भी करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी की बुद्धि शुद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत है। संसद में अपने नेता के भाषण से कांग्रेस नेता मंत्रमुग्ध हैं, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ हिंदुओं के अपमान से नाराज बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उधर हरिद्वार में गैंगरेप कर हत्या के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मामले में बीजेपी नेता को सरकार संरक्षण दे रही है, यही कारण है कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी के नेता आदित्य राज सैनी आरोपी हैं, जिसे बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। कि जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वो संलिप्त है, तो उससे कार्रवाई करने से परहेज क्यों है? साफ तौर से जाहिर है कि सरकार उसको पूरा संरक्षण दे रही है।
कोई उस परिवार के बीच में उन माँ के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए नहीं गया, कोई आर्थिक इमदाद नहीं गई दी गई। तो देखिए, हरिद्वार के शारदा शाह में हुए गैंगरेप पर कांग्रेस हमला हो रखी है बीजेपी पर, और बीजेपी नेता के मामले में शामिल होने के बाद बीजेपी से लगातार सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हैरानी भरी बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 30 साल पुराने एक मामले को याद करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 1995 में नैना सानी को तंदूर में जलाने की घटना याद कर ले। हालांकि बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया गया है। तो उनसे हिसाब किताब पूछ लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बगलें झांकने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचेगा। हाँ, एक नैना साहनी कांड हुआ था दिल्ली में। एक नैना साहनी नाम की महिला को युवा कांग्रेस के नेताओं ने जिंदा तंदूर में डाल दिया था, जिंदा। तो ये बहुत संवेदनशील, हमको पता है।